दोस्तों अभी हम हैं वाराणसी में, और वाराणसी का ये जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है वाराणसी का ये ट्रामा सेंटर है। और देश में जिस प्रकार से फिर कोरोना ने पैर पसार दिया है, और एम्स के डॉक्टर गुलेरिया ने अभी घोषित भी किया कि 4 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात हम कहें कि हम हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में, और ये वाराणसी का सबसे बड़ा ये हॉस्पिटल जो है ट्रामा सेंटर है, और इस हॉस्पिटल के अंदर जो होता है मीडिया को आने के लिए बैन है, क्योंकि यहाँ पर हकीकत और सच्चाई जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या होता है। जब हम लोग भी हॉस्पिटल के अंदर जा कर के देखना चाहिए, इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पर सारे लोग हैं, कुछ लोग देखिए मास्क लगाए हुए भी हैं और कुछ लोग इस तरह से हैं, सभी लोग अपने पेशेंट को लेकर के इलाज के लिए हैं। और कैसे चचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? जितेंद्र सिंह सर। कोरोना ने दस्तक दे दी, आपको जानकारी है ना? हाँ जी सर। तो आप लोग कम से कम मास्क लगाने पूरा चालू कर दें। बिल्कुल लगाएंगे सर जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर ये भैया लोग पहले से ही लगाए हुए हैं, इन लोगों को शायद संभवतः न्यूज़ चैनलों के द्वारा, पत्रकारों, हम लोग जैसे लोगों के द्वारा इन लोगों को जानकारी हो रहा है। क्या अभी आप पेशेंट को दिखाने के लिए आए? क्या तो आपने मास्क लगा लिया? बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम पड़ेगा आपका? विनय कुमार। देखना चाहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, और जिस प्रकार से कोरोना देश में बढ़ रहा है, अभी चीन में आप देख रहे हैं कि कैसी स्थिति वहाँ पर हुई, लेकिन फिर भी हमारा देश ही जो पिछले वर्ष 2021 में मार्च और अप्रैल में जिस प्रकार से कैसे लाखों लाखों की संख्या में लोग इसी हॉस्पिटल में मर रहे थे, लेकिन आज जब हमने सच्चाई दिखाने के लिए आया ना, तो मीडिया को जाने के लिए अंदर मना कर दिया गया था, और बताया जा रहा है यहाँ पर कोई बाइट देने के लिए तैयार नहीं हुआ। कह रहे हैं लोग ये दुर्भाग्य की बात है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी कोई प्रोटोकॉल नहीं आया है। अरे मुझे शर्म आ रही है ये कहने के लिए कि ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र का इतना बड़ा हॉस्पिटल, और ये लोग कह रहे हैं प्रोटोकॉल की बात, और वहीं एम्स के डॉक्टर जो हैं बोल रहे हैं, डॉक्टर गुलेरिया, कि 5 पेशेंट मिल चुके हैं। क्या है यही हकीकत चल रहा है। मैं यही आप लोगों से विनती करूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, और आप लोग सतर्क हो जाएं। जिस प्रकार से पुनः एक बार कोरोना पैर पसार रहा है, आप लोग अपने मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करें। लेकिन ये क्या है कि एक ऐसा हॉस्पिटल जो है जहां पर मीडिया को अंदर जाने के लिए दोस्तों बैन है। तो हम जो है वाराणसी के मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा यानी शिव प्रसाद गुप्त हॉस्पिटल से चल करके अब हम आ गए हैं सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में। ट्रॉमा सेंटर में हमने जब डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश की कि डॉक्टर साहब आप जो है कोरोना को लेकर के क्या संदेश दे रहे हैं, लोग यहां पे आ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है और BHU इससे अनभिज्ञ नहीं है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी हमको कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं मिला है जिसके चलते कि हम लोगों को जागरूक करें। मतलब इसमें भी अभी एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ रही है, जबकि भारत सरकार जो है सचेत कर दिया है, पूरे देश में जो है इसको लेकर के पूरी तरह से तैयारी शुरू हो गई है। इसी के बीच जो है एम्स के जो पूर्व निदेशक रहे हैं डॉक्टर गुलेरिया, उनका कहना है कि भारत में जो है ये खतरा बढ़ना शुरू हो गया है और केस भी आने लगे हैं कोरोना के, इससे लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। इसको जो है BF7 वेरिएंट बताया जा रहा है, और इसके तहत ये बताया जा रहा है कि काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। भारत में भी अब जो है केस बढ़ने लगे हैं और लोग जो है ढिलाई न बरतें, और लोगों के जो है सावधान रहने में ही उनकी जो है भलाई है। और हम बता दें कि ये BHU का परिसर है, ये जब कोरोना का जब सेकेंड वेरिएंट चल रहा था तो इस BHU हॉस्पिटल में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की जान जाती थी, और यहाँ लोग जो है पूरे पूर्वांचल से भागते हुए इलाज के लिए आते थे, और गाड़ियों में नोट लोग भर करके आते थे, लेकिन अपने यहाँ से अपने परिजनों को जीवित लेकर के जाने वालों की संख्या काफ़ी कम थी। लेकिन मित्रों ये भी एक आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में इतना बड़ा हॉस्पिटल, जिसको कि दिल्ली के एम्स से भी बड़ा बताया जाता है, वहाँ के डॉक्टर अभी भी इस बात से अनभिज्ञ हैं और कह रहे हैं कि भारत सरकार ने या मेडिकल विभाग ने कोई हमको
दिशा निर्देश नहीं दिया है, कोई गाइडलाइन नहीं दिया है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, इसलिए हम लोग जो है अभी किसी को कुछ नहीं बता रहे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल में ही काफ़ी जो है बड़ी मात्रा में इन्फेक्शन होता है, और ये अगर ये इन्फेक्शन होता है तो इससे बचना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश में अलर्ट है, लेकिन हमारे यहाँ जो है प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इस BHU हॉस्पिटल में अभी किसी तरह की जो है व्यवस्था नहीं है, लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है, ये भी नहीं बताया जा रहा है कि आप जो है सैनिटाइज़र का यूज करिए, आप मास्क का यूज करिए, अभी यहाँ पे प्रोटोकॉल का इंतज़ार किया जा रहा है। मित्रों, हम फिर आपके सामने कहते हैं कि बचाव में ही आपकी रक्षा है, आप बचाव में रहिए, अपने को मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज करिए, आने वाले समय में काफ़ी खतरे की स्थिति हो सकती है, तो इसलिए आप बचे रहेंगे तो आपके परिजन भी सुरक्षित रहेंगे। कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ वाराणसी से राजन उजा की रिपोर्ट, धन्यवाद।